शुक्रवार को बारासात के डीएम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल सिन्हा। इस दौरान भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे और डीएम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बारासात में काफी तृणमूल कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होंगे, क्योंकि नारदा शारदा और रोज वैली कांड के बाद काफी तृणमूल समर्थकों ने भाजपा में आने के लिए उनसे संपर्क किया था। इतना ही नहीं, भाजपा धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में शासन में आएगी और जब वो शासन में आ गई और उनकी सरकार बन गई तो पश्चिम बंगाल में राम और रहीम एक साथ रहेंगे। इन सभी विषयों को लेकर के क्या कुछ कहा राहुल सिन्हा ने, वो हम आपको सुनाते हैं। देखो, तृणमूल यदि पुलिसी अत्याचार बंद करे, बीजेपी क्षेत्र नय তৃণমূলের ক্ষেত্রে, যদি সিআইডিকে জনগণের উপকারে লাগায়, তৃণমূল নেতাদের পিছনে সিআইডিদের গোয়েন্দাগিরি করতে না লাগায়, আজকে আমি আপনাকে বলছি তৃণমূলের যত বড় বড় নেতার নাম জানেন, 15টা নেতা কালকে জয়েন করবে।